तो गाइज आप लोग ने अज्जू भाई के आईडी में डायमंड्स तो देखे ही होंगे, उनके आईडी में हमेशा 2-3 लाख डायमंड तो होते ही हैं। लेकिन गाइज क्या आप लोग ने कभी सोचा है कि जब वो अपने यूट्यूब इनकम से बिल्कुल भी टॉपअप नहीं करते हैं और वो पार्टनर प्रोग्राम में भी नहीं है तो उनको इतने डायमंड मिलते कहाँ से है? तो गाइज आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि वो पार्टनर प्रोग्राम में है बस वो बताते नहीं है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं, वो रियल में पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि गाइज जो भी पार्टनर प्रोग्राम में होता है उसको वी बैज लगाना ही पड़ता है, उसको खुद से हटा नहीं सकते हैं। तो गाइज क्या आप में से किसी को पता है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे उनके पास इतने सारे डायमंड्स आते हैं? तो गाइज किसी को भी अगर पता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना होगा। गाइज अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, लेंगे उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो। गाइज आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो गाइज ये बात तो क्लियर हो गई कि वो पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं है, लेंगे उनको डायमंड्स इस वजह से मिलते हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उनके यूट्यूब चैनल पे 29 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। और गाइस इसी के साथ जो वो वीडियो डालते हैं गाइस उसमें 4-5 मिलियन प्लस व्यू हर वीडियो में आ ही जाते हैं। और गाइस इसी की वजह से फ्री फायर का फ्री में प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्री फायर को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और गाइस इसी की वजह से फ्री फायर उनके आईडी में डायमंड सेंड करती रहती है। और गाइस आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि जो पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स होते हैं उनको जितने भी डायमंड मिलते हैं गाइस उससे कई ज़्यादा डायमंड टोटल गेमिंग को अकेले को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को इससे पहले इस फैक्ट के बारे में पता था तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर आप लोग को जानना है कि टोटल गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम में क्यों नहीं है तो गाइस मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका भी मैं आंसर दे दूंगा गाइस एक और वीडियो बना के। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी।